सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पार्ट वन में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में स्टार्ट किया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, कॉस्टिक सोडा उसका कमर्शियल नेम हो जाएगा, एंड इसको एल्कली भी कहते हैं। एल्कली क्यों ये होता है, क्योंकि ये बेस है और वाटर सॉल्यूबल है। NaOH वाटर सॉल्यूबल बेस होता है, जिसको हम एल्कली कहते हैं, ठीक है। ये बात इसके बारे में हो गई। फिर इसमें आता है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, इसको किस तरीके से बनाया जाए, इसका फॉर्मेशन कैसे किया जाए। तो इसके फॉर्मेशन की आपको पता है कौन सी प्रोसेस होती है, यस फटाफट मुझे बताएं कौन सी प्रोसेस होती है। यस, क्लोर एल्कली प्रोसेस होती है, क्लोर एल्कली प्रोसेस में इसको बनाया जाता है। और क्लोर एल्कली प्रोसेस में हमें क्या करना होता है, NaCl प्लस वाटर को उठाना होता है। NaCl प्लस वाटर आल्सो नोन एज, इसका मिक्सचर क्या कहलाता है बच्चों, फटाफट मुझे बताएं इसका मिक्सचर क्या होता है। इसका मिक्सचर होता है ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं इसके मिक्सचर को, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन हो गया, आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा ये, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें जो आयंस बनेंगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, जब उनको क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। तो ब्राइन सॉल्यूशन ये बनेगा। ब्राइन सॉल्यूशन में आगे इसमें इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बनती है क्लोरीन गैस, ठीक है, इसमें बनती है क्लोरीन गैस। इसके लिए इसको क्लोर कहते हैं। एल्कली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बनता है NaOH जो कि एल्कली होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। Cl2 NaOH और प्लस H2 यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गई साहब इसमें कि प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है और प्रोसेस को क्लोर एल्कली क्यों कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि Cl2, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो इलेक्ट्रोड का यूज़ होगा इसमें, तो इलेक्ट्रोड का हम यूज़ करेंगे। एक आपको पता होता है पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। पॉजिटिव वाले पे नेगेटिव आयन आता है, नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव आता है। सिंपल से समझो, Cl2 कैसे बना होगा, Cl2 बना होगा जब Cl नेगेटिव रहा होगा, ठीक है, उसके साथ एक और Cl नेगेटिव जुड़ा होगा, उससे बना होगा Cl2। अब Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, पॉजिटिव पे जाएगा, ठीक है। ये एनायन है, नो डाउट एनायन है ना, Cl नेगेटिव एनायन है, कहाँ जाएगा, एनोड पर, बस इतना याद रखना। बहुत बार पूछा जाता है कि Cl2 गैस, क्वेश्चन कैसे आता है कि अ गैस एक्स इज फॉर्म्ड आफ्टर अ क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है, इन अ क्लोर एल्कली प्रोसेस गैस एक्स इज फॉर्म्ड विच इज कलेक्टेड एट एनोड, बस दिमाग की घंटी वहीं पे बज जाएगी। कलेक्टेड एट एनोड का मतलब है Cl2, एनायन आएगा एनोड पर, ठीक है। बचा कौन सा, H2, कैसे बना होगा, H पॉजिटिव मिल करके क्या बना दिए होंगे, H2 पॉजिटिव है, कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाले पे जाएगा। ये है क्या, ये है कैटायन, तो कैटायन किस पे जाएगा, कैटायन जाएगा कैथोड पर, बस खत्म। कैटायन जाएगा कैथोड पर, तो कैथोड पर जा रहा है H2, एनोड पर जा रहा है Cl2। यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सी गैस एनोड पर क्लोर एल्कली प्रोसेस में जाती है, Cl2 गैस, ठीक है। इसको कास्टनर कैलनर सेल में भी हम परफॉर्म करते हैं, जो उसका एपरेटस होता है जिसके अंदर इसको परफॉर्म करते हैं, कभी अगर क्वेश्चन आ जाए तो कास्टनर कैलनर सेल के अंदर हम इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जो रिविज़न हो रहा है। अच्छा, इसमें आगे अगर हम बात करें कि इसके यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो समझ में आ गया, इसके यूज़ क्या क्या होंगे, तो यूज़ में हम बात करते हैं, अपने पास NaOH है, ठीक है, तो NaOH के यूज़ क्या क्या होंगे। NaOH का यूज़ होगा डीग्रीसिंग में, ठीक है, डीग्रीसिंग ऑफ मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, डीग्रीसिंग ऑफ मेटल। NCERT में दिया हुआ है कि जो भी मेटल्स होती हैं, जब उनमें जो रोटेटिंग पार्ट होते हैं, जैसे साइकिल के रोटेटिंग पार्ट होते हैं, तो उसमें ग्रीस लगाया जाता है ताकि फ्रिक्शन कम हो, आसानी से रोटेट हो जाए। तो उसमें कभी बहुत ज़्यादा ग्रीस अगर लगा हो तो डीग्रीसिंग करने के लिए NaOH को यूज़ किया जाता है, चलो ठीक है। केमिकल, ये एक लेबोरेटरी रिएजेंट भी है, लेबोरेटरी रिएजेंट का मतलब होता है कि बहुत सारे बाकी केमिकल्स बनाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी रिएजेंट इसको कहते हैं।
और इसमें क्या देख सकते हैं, पेपर मेकिंग में, हाँ भाई लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, पेपर मेकिंग में इसको यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में NaOH को यूज़ किया जाता है। ठीक है, NaOH का यूज़ हो गया। अब सेकंड लेते हैं Cl2 को, ठीक है, Cl2 क्लोरीन गैस। Cl2 का हम यूज़ देखेंगे तो डिसइंफेक्शन में हमें सबसे पहले ध्यान आता है, सबसे पहले दिमाग में आता है कि स्विमिंग पूल है उसमें अगर वाटर को डिसइंफेक्ट करना है तो क्लोरीन गैस उसमें या क्लोरीन उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो डिसइंफेक्टेंट की तरह इसको यूज़ किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट। या आपको पता है कि डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक में क्या डिफरेंस है, एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है लिविंग टिश्यूज़ पर, किसी भी लिविंग एनिमल या ह्यूमन के आप स्किन पर यूज़ कर सकते हैं एंटीसेप्टिक, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स पर, ठीक है, जैसे कि कोई फ्लोर है, वॉल्स हैं, ठीक है, इन पे नॉन लिविंग थिंग्स पर Cl2 या डिसइंफेक्टेंट का यूज़ किया जाता है। अगला इसमें क्या हो सकता है, डिसइंफेक्टेंट और वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम में इसको यूज़ किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट में, पेस्टिसाइड लिखा हुआ है, पेस्टिसाइड में इसको यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स में इसको यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड क्या करते हैं कि जो जितने भी वीड्स जो होते हैं जो खेतों में अननेसेसरी जो फसलों के साथ जो ग्रास या फिर जो भी अलग अलग टाइप के उसमें पेड़ पौधे उगते हैं उनको ख़त्म करने के लिए पेस्टिसाइड वगैरह हम यूज़ करते हैं, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, और वीडिसाइड होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड जैसे कि जो एनिमल्स हो जाते हैं, जो कीट पतंगे हो जाती हैं उनको ख़त्म करने के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्विमिंग पूल्स में इसको यूज़ किया जाता है एज अ डिसइंफेक्टिंग एजेंट, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे Cl2 के, जो NCERT में लिखे हुए हैं और हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है, रिपीटेड पूछे जाते हैं, रिपीटेड। नेक्स्ट आता है H2 गैस का क्या यूज़ होने वाला है, H2 गैस का यूज़ होने वाला है फ्यूल्स के अंदर, ठीक है, H2 गैस का यूज़ होगा फ्यूल्स में, ठीक है, फ्यूल में इसका यूज़ करते हैं H2 गैस का, और H2 गैस का यूज़ होने वाला है मार्गेरिन बनाने में, मार्गेरिन क्या होता है कि सोप फॉर्मेशन, जब हम सोप बनाते हैं NaOH की हेल्प से, इसको सोप फॉर्मेशन में भी यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, सोप फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है पॉइंट, सोप फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसमें एक बाई प्रोडक्ट मिलता है, साइड में जो एक प्रोडक्ट मिल जाता है वो मार्गेरिन होता है, ठीक है। तो H2 है फ्यूल्स में, मार्गेरिन में, ये रॉकेट फ्यूल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कंबशन इसका बहुत अच्छा होता है, इससे जो एक्टिवेशनल एनर्जी मिलती है बहुत बढ़िया मिलती है, तो फ्यूल्स एंड मार्गेरिन में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि भाई ये अमोनिया सिंथेसिस में बहुत यूज़ किया जाता है, अमोनिया और फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने में इसको यूज़ करते हैं, चलो ठीक है। तो इतना NaOH के बारे में ये हो गया कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में इसको बनाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्लोरीन गैस कहाँ जाएगी, एनोड पर जाएगी, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा, क्लोर एल्कली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि NaOH है एंड क्लोरीन गैस बन रही है, बाकी यूज़ मैंने आपको इसके बता दिए हैं, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl प्लस वाटर होता है, तो डिटेल में बहुत थ्योरी में आपको नहीं लिखवा रहा हूँ बिकॉज उसका कोई सेंस नहीं है, वो हम पढ़ चुके हैं डिटेल में अपने लेक्चर्स में, ये मैं आपको रिविज़न करवा रहा हूँ, ठीक है। ये पार्ट टू है, पार्ट वन में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से पहले जो बेसिक था वो हमने उसमें कवर किया था, ठीक है। आगे इसमें देखिए आगे क्या आ सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है आई थिंक, ये ब्लीचिंग पाउडर पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, सॉल्ट में क्वेश्चंस आते हैं, NTSC हो, ओलंपियाड हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सॉल्ट में बहुत क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन को करने का इसमें ये तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट को रिवाइज करो, जितना आप उसमें रिविज़न करोगे XY टाइप के जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं तभी आपके सॉल्व हो सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं, फॉर्मूला अगर मैं इसका लिख दूँ, ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअल में इसका कॉम्प्लेक्स एक फॉर्मूला होता है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बट अपनी कन्वीनियंट के लिए पढ़ने के लिए हम इसको लिखते हैं, केमिकल फॉर्मूला इज CaOCl2, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया है इट इज़ अ मिक्स सॉल्ट CaOCl2, है ना, दो एनायन इसमें मिलते हैं, OCl नेगेटिव मिलता है, Cl नेगेटिव मिलता है, Ca2 पॉजिटिव मिलता है, तो ये हम फर्स्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, ठीक है, मिक्स सॉल्ट इसको कहते हैं, ठीक है।
आगे देखिए, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर इसको कहते हैं। केमिकल नेम क्या हुआ? दिस इज कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 इज केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगली बात आती है कि इसको बनाया कैसे जाए, इसका फॉर्मेशन कैसे किया जाए। तो इसमें पहले दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि येलो कलर का ये लिक्विड होता है, येलोइश पाउडर होता है ये, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर येलोइश कलर का होता है, एंड ये वाटर सॉल्युबल भी होता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि वाटर सॉल्युबल है या नहीं है। तो येलोइश कलर का पाउडर होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, और आगे इसमें बात करते हैं। ठीक है, आगे इसमें अगर हम देखें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन किस तरह से किया जाए, तो फॉर्मेशन आप देखिए, फॉर्मेशन पूछा जाता है। फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो गैस हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस में एनोड पर इकट्ठा की थी, ठीक है, द गैस विच इज कलेक्टेड एट एनोड ड्यूरिंग द क्लोर एल्कली प्रोसेस, उस गैस का नाम है एक्स। ठीक है, जो हमने कहाँ पर बनाई थी, क्लोर एल्कली प्रोसेस में बनाई थी, एनोड के ऊपर हमने बनाई थी। तो आपको याद आ जाएगा कि सर किसके बारे में बात हो रही है, Cl2 गैस के बारे में बात हो रही है। फिर हम इसको यूज़ करते हैं स्लैक लाइम के साथ। स्लैक लाइम होता है CaOH होल ट्वाइस, इसकी अलग कहानी है, वो हम पढ़ चुके हैं कि क्विक लाइम को वाटर में डाला, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, स्लैक लाइम बन गया। ठीक है, ये स्पेशल बात क्या है, ब्लू से लिख देता हूँ, ठीक है, इसको ध्यान रखना, स्पेशल बात क्या है, ये होता है ड्राई स्टेट में, ड्राई स्लैक लाइम होगा ये। ठीक है, ड्राई होता है ये, ड्राई स्लैक लाइम, और ये आगे बन जाता है CaOCl2+H2, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, आगे इसमें बात आती है कि सर ब्लीचिंग पाउडर के कुछ और केमिकल रिएक्शंस जो इम्पॉर्टेंट हैं, तो एक रिएक्शन आपको बताऊंगा इसमें कि जो ब्लीचिंग एक्शन होता है ना वो किसकी वजह से आता है। ब्लीचिंग एक्शन इसके अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, किसकी वजह से आएगा, तो स्पेशली ब्लीचिंग एक्शन इज़ ड्यू टू आप सब लोगों को पता होगा, ब्लीचिंग एक्शन इज़ ड्यू टू क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस की वजह से उसका ब्लीचिंग एक्शन आता है, एज वेल एज जो स्मेल होती है, स्मेल भी उसकी क्लोरीन गैस की वजह से आती है, तो ब्लीचिंग एक्शन इज़ ड्यू टू क्लोरीन गैस। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर, अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि सर आपने कहा कि ब्लीचिंग एक्शन किसकी वजह से होता है, क्लोरीन गैस की वजह से होता है। रिएक्शन एक लिख रहा हूँ, CaOCl2 है अपने पास, ब्लीचिंग पाउडर प्लस कोई एसिड है, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, कोई सा भी एसिड आप ले लो, ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा, ये मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ, जब ये एक्चुअल में जो क्लोथ्स होते हैं, जो टेक्सटाइल होते हैं, उनको ब्लीच करते हैं, तो एक बहुत बड़ा टैंक होता है, उसके अंदर ये CaOCl2+HCl को उसमें यूज़ करते हैं, और उससे क्लोरीन गैस बनती है, और क्लोरीन गैस फिर आगे अगले टैंक में जा करके क्लोथ्स को क्या करते हैं, ब्लीच करती है। तो ये अपना बन जाएगा CaCl2 बहुत बढ़िया तरीके से, प्लस Cl2 गैस प्लस H2। ठीक है, ये Cl2 गैस जो बनी है ना, दिस Cl2 गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इस ब्लीचिंग एक्शन, जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओलंपियाड में एक बार पूछा हुआ है कि ब्लीचिंग एक्शन किसकी वजह से होता है, क्लोरीन गैस की वजह से होता है, ये रिएक्शन दी हुई थी। ठीक है, तो क्लोरीन गैस जो रिलीज होगी उसकी वजह से उसका ब्लीचिंग एक्शन आएगा। ठीक है, एक ये होता है कि व्हेन एक्सपोज्ड टू एनवायरनमेंट, जब भी इसको एनवायरनमेंट में एक्सपोज रखते हैं, खुले में इसको रखते हैं, तो ये इसमें से CaOCl2 प्लस, खुले एनवायरनमेंट में आपने रख दिया, आपने उसको खुले में रख दिया, उसमें से क्लोरीन की स्मेल आने लगती है।
अब ये क्या झंझट है, हमने HCl के साथ करा, H2SO4 के साथ रिएक्शन करी, तो चलो Cl2 तो रिलीज हो गई, वो तो ब्लीचिंग एक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब ये एक्सपोज रहने पर क्यों ये क्लोरीन की स्मेल दे रहा है, ब्लैक से लिख रहा हूँ इसमें CO2 गैस जो कि एटमोस्फियरिक CO2 होगी, एटमोस्फियरिक जो CO2 होगी, एटमोस्फियरिक CO2 से रिएक्शन करने के बाद ये बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस CO प्लस H2 प्लस Cl2। अगेन Cl2 गैस की वजह से इसमें क्या आती है, स्मेल आने लगती है। ठीक, तो ये आई थिंक क्लियर हो गया, ये मैकेनिज्म भी है इसका ब्लीचिंग का, दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको बनाया जाता है ये इसके बारे में आपने पढ़ा, येलोइश कलर का वाटर सोल्यूबल लिक्विड होता है। अच्छा, आगे इसमें बस यूज़ हैं, हम लोगों ने ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी यूज़ इसमें यहीं पे लिख लेता हूँ, साइड में ज़्यादा यूज़ नहीं है, यूज़ है इसके, यूजेज हैं इसके, सबसे पहले तो यार ये ब्लीच करने के यूज़ आता है, जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, क्लोथिंग इंडस्ट्री है, जो कलर्ड पेपर्स आपके बनते हैं, सब कुछ इसके ब्लीचिंग इफेक्ट जो होता है, ब्लीचिंग एजेंट है ये। अच्छा, एक और ब्लीचिंग एजेंट से एक और बात मुझे याद आ गई कि यहाँ से HCl से जब ये क्लोरीन गैस रिलीज हुई, इसका एक परसेंटेज होता है, ठीक है। अगर ये परसेंटेज, अगर ये क्लोरीन गैस 35 ब्लीचिंग एजेंट, अगर ये 35 से 38% तक रिलीज हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन, इसको अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं, अगर ये 35 to 38% रिलीज हो रहा है, और इतनी ही रिलीज होनी चाहिए, यही आइडियल कंडीशन होती है इसकी ब्लीचिंग की। अगर इससे ज़्यादा रिलीज होगा तो बहुत ज़्यादा ब्लीच कर देगा कपड़ों को, आपको एंटी क्लोरिंग एजेंट वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इससे कम करेगा तो ब्लीचिंग इफेक्ट उसका शो नहीं होगा। तो 35 to 38% दिस इज नोन एज अवेलेबल क्लोरीन, अवेलेबल क्लोरीन इसको कहते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट से मुझे याद आया। आगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसको यूज़ करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और इसमें क्या था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीच करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पेपर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कलर्ड पेपर्स बनाने में, ठीक। तो इस तरह से ब्लीचिंग एजेंट को हम यूज़ करते हैं। चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया, बताओ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है, ठीक है, चला जाए फिर आगे। चलो, तो आज आपका ये कंप्लीट, जो सॉल्ट का आप कह रहे थे कई दिनों से सर, सॉल्ट का वीडियो, इसमें PDF आपको ऑलरेडी मिल गई होगी ग्रुप्स में, PDF इसमें मैंने सेंड कर दी है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा PDF, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें बेकिंग सोडा की कहानी पे आ जाते हैं ना, फोर्थ है आई थिंक अपने पास बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इसका कमर्शियल नेम है, ठीक है, कमर्शियल नेम है बेकिंग सोडा, कंपाउंड है NaHCO3, NaHCO3, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3, केमिकल नेम क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट। आप कहोगे सर ये बाइकार्बोनेट क्या चीज़ होती है, सल्फेट पड़ा, नाइट्रेट पड़ा, कार्बोनेट पड़ा, बाइकार्बोनेट क्या होता है, बाइकार्बोनेट होता है HCO3 नेगेटिव -1, ये होता है बाइकार्बोनेट आयन, Na+1 था इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है, न्यूट्रल हो गया, ये हटा दिया, ये बन गया NaHCO3, या इसको पढ़ सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, दोनों तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि NaHCO3 के अंदर कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसके अंदर नहीं है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ध्यान रखना, ठीक। ये बात होगी बेकिंग सोडा की, केमिकल फॉर्मूला हो गया, केमिकल नेम हो गया, ठीक है। अगली बात आती है फॉर्मेशन की, कैसे बनाया जाए, फॉर्मेशन क्या है इसका, फॉर्मेशन का क्या मेथड है, किस तरह से इसको बनाया जाए, तो ध्यान से इसमें देखना, प्रोसेस का नाम लिख देता हूँ, सॉल्वेज प्रोसेस,
या फिर अमोनिया सोडा प्रोसेस। ठीक है, हम अमोनिया सोडा प्रोसेस इन दोनों को, जो वॉशिंग सोडा होता है बेकिंग सोडा होता है, दोनों को इसी प्रोसेस से बना सकते हैं, सोल्वे प्रोसेस अमोनिया सोडा प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। तो अपने पास क्या हुआ कि इसके अलग अलग स्टेप हैं प्रोसेस के, बट मैं एक ही स्टेप में उसको ख़त्म कर देता हूं। अपने पास NaCl प्लस वाटर है, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, NaCl प्लस वाटर ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, यहां लिख देता हूं ब्राइन, फर्स्ट मार्ट में पड़ा था NaCl प्लस वाटर ब्राइन सॉल्यूशन, प्लस मैंने कर दिया यार इसके अंदर CO2। ठीक है, ये अलग स्टेप में होता है, मैंने इसी में कर दिया, प्लस मैंने अमोनिया भी डाल दिया, लो ख़त्म। ठीक है, अब इसमें बन जाता है एक तो सबलाइम सब्सटेंस होता है NH4Cl, उसकी तो प्रॉब्लम है ही नहीं, हीट किया सबलाइम हो गया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अगला एक बनता है जो हमको चाहिए था NaHCO3, बस ख़त्म। ठीक है, मिल गया सिंगल स्टेप, NaHCO3 आपको मिल गया। अब हम वॉशिंग सोडा बनाना चाहते हैं, क्या करो NaHCO3 को, क्या करो NaHCO3 को हीट कर दो। क्लियर हो रहा है, हीट कर रहे हैं। ठीक है, हीट हमने कर दिया, ये बन जाएगा Na2CO3 प्लस वाटर। अब आपने कहा सर वॉशिंग सोडा में तो 10H2 होते हैं, वो तो डेकाहाइड्रेट होता है, कोई नहीं इसमें वाटर ऐड कर लो, कितने करोगे 10 करोगे, ये बन गया आपका Na2CO3.10H2 डेकाहाइड्रेट, ये बन गया वॉशिंग सोडा, नोट करो छापो इसको। ठीक है, कुछ है इसमें NaCl प्लस वाटर CO2 भी डाल दिया, अमोनिया भी डाल दिया, अमोनिया सोडा प्रोसेस कह रहे हैं इसको, NaCO3 बन गया, बेकिंग सोडा बन गया, उसको हीट कर दिया। ठीक है, उसको हीट कर दिया, Na2CO3 बन गया, Na2CO3 में वाटर डाल दिया, आपका वॉशिंग सोडा भी बन गया। तो बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा दोनों साथ में बनाओ। ठीक है, अच्छा आगे इसमें देखो, इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, बेकिंग के अंदर नहीं होता है, वॉशिंग के अंदर होता है, कितने होते हैं 10H2। ठीक, आई थिंक रिवीजन अच्छे से हो रहा है। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम रिवाइज कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है अमोनिया सोडा प्रोसेस। ठीक है, इसको हटा दूं फिर, चलो ठीक है, फॉर्मेशन हो गया है। आगे इसमें देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या कहानी इसके बारे में हमको मिलती है। अच्छा, आगे इसमें एक रहता है कि हमने बेकिंग सोडा प्लस केक बनाना चाहा, बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, बेकिंग नाम से आपको पता लग जाएगा कहाँ यूज़ कर रहे हैं, बेकरी इंडस्ट्री में। ठीक है, केक बनाने में, आपके पेस्ट्रीज बनाने में, बाकी जितने भी बेकरी आइटम्स हैं वो बनाने में, तो बेकिंग सोडा प्लस केक हम कर रहे थे। केक का मतलब यहाँ पर इंग्रेडिएंट जो है वो हमने बेकिंग सोडा के साथ मिलाया, हम केक बनाना चाहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला था इसका NaHCO3, हमने अच्छा खासा इसको बनाया, प्रॉब्लम ये होगी, ये हो गया बिटर। ठीक है, ऑलरेडी मैं ये कवर कर चुका हूँ, कई बच्चों को ये पता होगा, इसका बिटर टेस्ट हो जाता है। अब ये बिटर टेस्ट क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है बिटर टेस्ट हो रहा है? ठीक है, बिटर टेस्ट का रीज़न ये है, अभी हमने देखा ना इसको जब हीट करते हैं, यहाँ पे हीट करते हैं तो ये बना देता है Na2CO3, और Na2CO3 आपको पता है बेस है, और भाई उसकी नेचर है बिटर होने के, बेस तो बिटर होते ही हैं, तो वो हो जाएगा बिटर। लो साहब, अब ये केक तो आपका खाने लायक है नहीं, तो क्या किया जाए फिर, इसमें क्या उपाय है, क्या सॉल्यूशन है इसका? सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, अब जो हो ही चुका है तो इसमें थोड़ा सा आप क्या मिला दो, टार्ट्रिक एसिड मिला दो, टार्ट्रिक एसिड। आप कहोगे सर एसिड मिला दे खाने में, ये माइल्ड है, ये इडेबल है, आप इसको खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टार्ट्रिक एसिड है, एसिड बेस को न्यूट्रल करेगा, उसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, जो बिटर टेस्ट था वो ख़त्म हो जाएगा उसका, और नेचुरल उसमें जो आपने इंग्रेडिएंट जो स्वीटनर यूज़ किए थे वो उसमें अपना टेस्ट देंगे। तो इस सारी समस्या से बचने के लिए हमने टार्ट्रिक एसिड डाल दिया लास्ट में, क्यों ना हम बेकिंग सोडा की जगह पर बेकिंग पाउडर यूज़ करें। आई थिंक बात आपको क्लियर हो रही है, बेकिंग पाउडर यूज़ करें, बिकॉज बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ, बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह रहे हैं, प्लस टार्ट्रिक एसिड या कोई भी दूसरा, जैसे सिट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, ये लो,
ठीक। तो बहुत बार पूछा जाता है कि ये सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है, बेकिंग पाउडर है बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है जो कि केक को क्या करता है अपने उसी टेस्ट में ले आएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी इसमें टार्ट्रिक एसिड होता है तो केक उसको जो भी उसमें Na2CO3 होता है उसको वो उसके टेस्ट को मास्क कर लेता है, दबा देता है, ठीक। इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं, चलो इसमें एक CO2 गैस रिलीज होती है आपको, उसका भी यूज़ है। उसका क्या यूज़ है, CO2 गैस जैसे बाहर निकलेगी, जो भी केक बनेगा जो भी ब्रेड बनेंगे तो उनको फ्लफ़ी कर देगा, उनको स्पॉन्जी कर देगा, फ्लफ़ी कर देगा, ठीक है। वो उसका यूज़ है CO2 का। CO2 गैस का टेस्ट भी आई थिंक हम बहुत बार रिवीजन कर चुके हैं कि CO2 गैस कलरलेस ऑडरलेस गैस है, तो इसको क्या करते हैं स्लैक लाइन के साथ पास कर देते हैं, तो ये CaCO3 बनाता है जो कि मिल्की हो जाता है, ख़त्म, ठीक। मिल्की हो जाता है और मिल्कीनेस उसमें आ जाएगी, एक्सेस मिलाओगे तो मिल्कीनेस गायब हो जाएगी। आई थिंक हम ये कवर कर चुके हैं, चलो ये हो गया। यूज़ क्या है, यूज़ है इसके, इसको हम यूज़ करेंगे बेकरी इंडस्ट्री में, ठीक है। सबसे ज़्यादा बेकरी इंडस्ट्री में ही इसका यूज़ होता है, ठीक है। घरों में हम यूज़ करते हैं केक वेक बनाने में। एक इम्पॉर्टेंट यूज़ और है, ओलंपियाड में पूछा जाता है यूज़ इसका, बेकरी में तो है ही, वो तो पता ही है, सोडा एसिड NCERT में लास्ट में एसिड बेस एंड सॉल्ट के लास्ट में चैप्टर के लास्ट में एक पेज में एक्टिविटी दी हुई है, उसके अंदर मिलेगा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है भाई। सोडा एसिड, सोडा होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, चलो ठीक है। NaHCO3 ये ले आए बेकिंग सोडा प्लस एसिड ले आए H2SO4, ठीक है। कुछ इस तरह से ये होता है, ठीक है। इसमें कुछ इस तरह से ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है। यहाँ पर अंदर एक ट्यूब होती है जिसके अंदर H2SO4 भरा होता है, ठीक है। बाकी इसमें बेकिंग सोडा भरा होता है। जब भी कहीं पर बर्निंग होती है, आग लगती है, तो हम क्या करते हैं, इस टिप को ज़मीन पर मारते हैं या किसी दीवार पर मारते हैं, तो ये ब्रेक हो जाती है। जैसी ब्रेक होगी तो ये जो NaHCO3 था और ये जो H2SO4 है आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि ट्यूब ब्रेक हो जाती है, अंदर ही वो मिल जाते हैं। मिलने से क्या होगा, मिलने से ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम कर रहे हैं। अरे यार, आपको पता है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड, मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड, आप लोगों को पता है मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड CO2 तो बनाएगा, H2O तो बनाएगा, साथ में एक सॉल्ट भी बना देगा। सॉल्ट है Na2SO4, ये लो Na2SO4, ठीक है। तो सबको याद है मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड, ये बोर्ड में भी पूछा जाता है, ओलंपियाड में भी पूछा हुआ है, NaHCO3 प्लस H2SO4, ठीक है। हमें काम किसका है, मेन CO2 का। CO2 एक्ट एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, ये क्या करेगा, जहां पर भी जो भी आग जहां पर लगी हुई है उसके ऊपर एक ब्लैंकेट बना देगा, एयर की सप्लाई कम कर देगा, बिल्कुल घटा देगा ऑक्सीजन की सप्लाई, और आग अपने आप वहाँ पर बुझ जाएगी, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करेगा। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया, ठीक। तो यही यूज़ इसका ज़्यादा पूछा जाता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। चार हो गए अपने पास, और देखते हैं, तो रिविज़न हो रहा है, ठीक है। ऑलरेडी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, तो हमने कहा आपकी बहुत डिमांड आ रही थी कि सर रिवीजन का PDF आप लोगों को अवेलेबल हो गई है, तो रिवीजन यहाँ पर बचा हुआ अपना हम ये कवर कर रहे हैं। इंक भी आई थिंक खत्म हो गई है क्या, है, चलो फिफ्थ है इसमें। फिफ्थ बात करते हैं, वॉशिंग रह गया अपना, है ना, वॉशिंग और POP रह गए हैं। वॉशिंग सोडा की बात करते हैं, ये इसका कमर्शियल नेम है, ध्यान से देखना, दो तीन इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। वॉशिंग सोडा कमर्शियल नेम है, फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3.10H2। आप कहोगे सर वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, यस 10H2 वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। क्या ये इसको वेट करेंगे, क्या ये इसको गीला कर देंगे, नहीं। वाटर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि ये वेट हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये पाउडर होता है, ठीक है।
ये तो इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है Na2CO3 का, इसमें वाटर जुड़े हुए हैं, वाटर के 10 मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसको हमने अलग से वाटर दिया है जिसकी वजह से ये वेट हो जाएगा, नहीं। सोडियम कार्बोनेट, ध्यान रखना, सोडियम कार्बोनेट, डेका, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मीन्स वाटर, डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका मतलब 10, डेका मीन्स 10, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, हाइड्रेट मतलब होता है वाटर, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, वॉशिंग सोडा, ठीक। बनाया कैसे था, हमने बेकिंग को उठाया NaHCO3, उसको हीट कर दिया, हीट किया, आगे इसमें Na2CO3 बन गया था प्लस H2O बन गया था, ठीक है। इसमें हमने 10H2O डाल दिए तो Na2CO3.10H2O बन गया, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स मिलती हैं, वो क्या होता है। चलो ये तो हमने फॉर्मेशन इसका कर लिया है ना, फॉर्मेशन, चलो भाई ये तो क्लियर है। आगे इसमें एक रिएक्शन आपको बताता हूँ कि Na2CO3.10H2O को हीट करो। सबसे पहले इसकी एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, स्पेशल प्रॉपर्टी है, ब्लू से लिख देता हूँ। स्पेशल प्रॉपर्टी आ रही है अपने पास इफ्लोरेसेंट, इफ्लोरेसेंट। डेली क्वेश्चन पता है आप लोगों को, हाइग्रोस्कोपिक पता है, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वाटर या फिर वेट हो जाते हैं। डेली क्वेश्चन तो वाटरी हो जाते हैं, बिल्कुल उसका सॉल्यूशन बन जाता है। हाइग्रोस्कोपिक थोड़े से वेट हो जाते हैं। और इफ्लोरेसेंट की कहानी ये है कि आपने Na2CO3.10H2 रखा, इसके पास वाटर क्रिस्टलाइजेशन था, जैसे आपने एक्सपोज रखा, ये धीरे धीरे अपना वाटर इवेपोरेट करने लगता है, खुद ब खुद अपना वाटर ये इवेपोरेट करने लगेगा, उसको कहेंगे इफ्लोरेसेंट, ठीक है। वाटर इवेपोरेट करके ये बना देगा मोनोहाइड्रेट, 9H2 उड़ गए, ठीक है, गए, मोनोहाइड्रेट बन गया। मोनोहाइड्रेट को हीट करो, इसको अब हमने हीट किया, तो हीट करने के बाद ये बन गया एनहाइड्रस, बचा कुचा वाटर उड़ गया, प्लस करके ख़त्म, इवेपोरेट हो गया, ठीक। दिस इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, मोनो मतलब सिंगल, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस मीन्स वाटर है ही नहीं, तो इसको कहेंगे सोडा ऐश, एनहाइड्रस वाले को कहते हैं सोडा ऐश, ठीक है। तो ये है इसकी कहानी इफ्लोरेसेंट की, ठीक है। ये कहानी आई थिंक क्लियर हो गई है, ठीक है। यूज़ बताना है, यूज़ साइड में कर लेते हैं हम, ये क्लियर हो गया है। इसका यूज़ देखो, ठीक है, इसमें यूज़ देख लो। यूज़ इसमें होते हैं, वॉशिंग में तो यूज़ होगा ही, ठीक है, वॉशिंग पाउडर वगैरह, डिटर्जेंट, यह सब आपको पता है, वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट बनाने में यूज़ करेंगे। एक इसमें है, पोस्ट कर दो, नहीं नहीं ऊपर पोस। सो स्टूडेंट इतना क्लियर हो गया है, वॉशिंग पाउडर में यूज़ हो रहा है। आगे इसका जो इम्पोर्टेंट यूज़ है वो है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। और किसकी हार्डनेस, वाटर की। अब थोड़ा सा इसमें मैं आपका टाइम लूँगा, आपको आई थिंक पता है, मैंने बताया हुआ है कि हार्डनेस के बारे में, परमानेंट हार्डनेस और टेम्प्रेरी हार्डनेस क्या होती हैं, बट फिर भी एक बार रिवीजन पर्पस मैं आपको ये करवा देता हूँ, ठीक है। हार्डनेस की अगर बात की जाए तो वाटर हार्डनेस, आप कहोगे सर हार्डनेस में क्या वाटर की अपीयरेंस में कोई चेंज आता है क्या, वाटर कुछ अलग तरीके से देखने को मिलेगा, नहीं, अलग तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। वो आप जैसे ये है हार्ड वाटर और एक हो जाएगा सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर, देखने में कोई डिफरेंस नहीं है।
आप उसको नहीं पहचान सकते कि ये हार्ड है कि ये सॉफ्ट है देखने से, ठीक है। जो आपका टैप वाटर आता है घरों में वो भी हार्ड वाटर हो सकता है। मेन डिफरेंस क्या होता है कि हार्ड वाटर में जो सोप का क्लिंजिंग एक्शन होता है वो नहीं आता है। जब भी आप साबुन से कपड़े धोते हैं तो उसका हार्ड वाटर में क्लिंजिंग एक्शन अच्छे से नहीं आता है, सॉफ्ट वाटर में उसका 100% क्लिंजिंग एक्शन रहता है, ठीक है। ये बात वॉशिंग पाउडर पर अप्लाई नहीं होती है, ठीक है, वो सोप्स पर अप्लाई होती है, वॉशिंग पाउडर पर नहीं होती है, ठीक है। तो हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के आयंस होते हैं, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस होते हैं हार्ड वाटर में। सॉफ्ट वाटर में ऐसे कोई आयंस नहीं होते हैं, इसको हम लिख सकते हैं विदाउट आयंस, ठीक है, विदाउट आयंस, ठीक, बढ़िया। आगे इसमें देखिए, हार्ड वाटर है अपने पास कैल्शियम 2 पॉजिटिव, एम जी 2 पॉजिटिव, ये दो तरह का है ना। इसमें आती है परमानेंट, परमानेंट हार्डनेस, और आती है टेम्प्रेरी हार्डनेस, टेम्प्रेरी एंड परमानेंट हार्डनेस, टेम्प्रेरी, टेम्प्रेरी एंड परमानेंट हार्डनेस, ठीक है भाई। टेम्प्रेरी हार्डनेस आएगी, परमानेंट हार्डनेस आएगी। परमानेंट किसकी वजह से होती है, ये होती है क्लोराइड्स की वजह से एंड सल्फेट्स की वजह से, क्लोराइड एंड सल्फेट्स की वजह से, लाइक कैल्शियम क्लोराइड बना लिया या मैग्नीशियम सल्फेट बना लिया, तो सल्फेट बनाओ क्लोराइड बनाओ दोनों के, कैल्शियम मैग्नीशियम, इसके अलावा नहीं, सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम। टेम्प्रेरी होता है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट की वजह से, ठीक है। आप कहोगे सर फॉर्मूला लिख के दिखाओ, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा, MgCO3 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा होल ट्वाइस, ठीक। तो कहीं पर अगर आपको कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हो तो टेम्प्रेरी है और ये परमानेंट है। फिर बात आती है, ये तो प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन कहाँ है इसका, कैसे हम सॉफ्ट वाटर में उसको चेंज करें। तो परमानेंट में आप किसका यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं, तो वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर देता है, जैसा मैंने वहाँ लिखा हुआ है, ठीक। और टेम्प्रेरी को क्या करना है, टेम्प्रेरी में सिंपल बॉइलिंग कर दो, टेम्प्रेरी में बॉइलिंग करो, वो हट जाएगा, उसमें कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हट जाएंगे, और वॉशिंग सोडा में परमानेंट में क्या होता है, क्लोराइड एंड सल्फेट्स को वो हटा देता है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे, ठीक है, हो गया है। चलो आगे आगे, इसमें लास्ट अपने पास रहता है रिवीजन करने को, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। POP जिप्सम के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है। अपने पास है, अब तो इंक भी जवाब देने लगी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं भाई POP, ठीक है। फॉर्मूला होता है CaSO4.5H2O, जिसको कहते हैं हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ। आप कहोगे सर हाफ मॉलिक्यूल कैसा दिखाई देता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो एक CaSO4 के साथ कितने मॉलिक्यूल हैं वाटर के, हाफ हैं, तो दो CaSO4 के साथ कितने होंगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगा। एक बार और समझ लो, एक CaSO4 के साथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो दो CaSO4 के साथ तो एक हो सकता है ना, बिल्कुल। तो ऐसे भी लिखो, ऐसे भी लिखो, दोनों ही क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। कैसे बनाया जाता है, कैसे ये बनेगा, तो आपने जिप्सम लिया CaSO4.2H2, ये होता है जिप्सम, ठीक है। इसमें देखो 2H2 है एक CaSO4 के साथ, इसको करते हैं हीट, बट हीट करना है 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन पर, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। इससे क्या होगा, इससे बनेगा CaSO4.5H2O, जिसको POP कहते हैं, प्लस 3/2H2, ठीक, POP बन गया। आप कहोगे सर 100 तो ठीक है, इसको 100 से ऊपर हीट करो, 100 से ऊपर हीट करो, क्या होगा, ये लो, अब 100 डिग्री सेल्सियस हमने हीट किया, अब 100 डिग्री सेल्सियस हीट कर दिया, क्या बन जाएगा, जितना वाटर था गायब हो गया, CaSO4 प्लस 2H2। अब ये जो CaSO4 है ये एनहाइड्रस है, इसमें वाटर नहीं है, इसको कहते हैं डेड बर्न प्लास्टर, इसको कहते हैं डेड बर्न प्लास्टर, इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, इसका यूज़ ख़त्म हो जाता है। यूज़ कैसे होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बोन ब्रेक हो जाती है उनको
फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फिक्स करने के लिए उसकी एक रिएक्शन होती है सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये रिएक्शन होती है। इसमें क्या करना होता है कि CSO4.5H2O जो है इसमें वाटर मिलाना होता है, ठीक है, और फिर ये हार्ड एक मास बन जाता है जैसे कि जिप्सम बन जाता है, ठीक। तो ये CSO4.2H2O बन जाएगा, यस, जिप्सम बन जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो इस तरह से इसकी रिएक्शंस होती हैं। अब आप कहोगे सर जिप्सम, एक क्वेश्चन आया था कि जिप्सम के अंदर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डिफरेंस कितना है, जिप्सम के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कितना डिफरेंस है। तो जिप्सम में 2H2 है एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1/2H2O, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3/2H2O का, ठीक है। जिप्सम के अंदर दो मॉलिक्यूल हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा मॉलिक्यूल है, तो डिफरेंस आया 3/2H2O, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो इसी में पूछा जाता है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो अपने पास POP है, उस POP को हमने एयर में रखा, एक्सपोज कंडीशन में रखा, तो वो क्या करता है, एक्सपोज कंडीशन में रहने पर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद जिप्सम बना देगा, दैट इज हार्ड मास ये बना लेगा, ठीक है। अब आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसको रिवाइज कर सकते हैं। यूज़ क्या है इसके, यूज़ है इसमें आप इसको बोन्स को जो बोन्स होती हैं उसको फिक्स करने में यूज़ कर सकते हैं, इसको डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं, और क्योंकि वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है थोड़ा सा वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है, तो डेकोरेशन बहुत परफेक्ट इसमें हो जाती है, ठीक। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जितने भी अपने सॉल्ट थे ये हमने फटाफट रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है। सो इसको अच्छे से आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको पढ़ लें अच्छे से, ठीक है। नोट्स आपके पास मैंने भेज दिए हैं, सेंड कर दिए हैं, प्लस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर, यहाँ तक अपना आज कंप्लीट हो गया है सॉल्ट का रिवीजन, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से।